वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, सारे थ्योरीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे वर्नस फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर सबसे पहले एक एग्जांपल COCl3.6NH3 COCl3.5NH3 और COCl3.4NH3 यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोरीन, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 3 क्लोरीन माइनस के लिए, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए। यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 3 सेकेंडरी वैलेंसी 6 5 अमोनिया लेना है, 5 NH3 प्लस 1 Cl- और इसका मीनिंग है इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को भी, और लास्ट वाले में प्राइमरी वैलेंसी फिर 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 जिसमें 4 NH3 और 2 Cl-। लास्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि 2 नेगेटिव आयन सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को तो करता ही है। और ऐसा इसलिए कि वर्नस ने सारे कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी में रखा हुआ था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए इस फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर बना के देखें, स्ट्रक्चर पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सभी का बना देना है, सबका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेंगे। सभी टाइप के कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में शो कर देना है, और हमने पहले ही बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बोलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। तो यहां पर 3+ 3+ और यहां 3+, इसमें 6NH3 का यूज हो रहा है पूरा, तो इसको इस तरीके से शो कर देना। और यहां पर 3 क्लोरीन जो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी को बता रहा है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में NH3 5 है, तो 5 NH3 इस तरीके से लगा लेना। और ये जो क्लोरीन है इसको डॉटेड लाइन से यहां शो कर दोगे, क्योंकि एक क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और रेस्ट 2 क्लोरीन है उसको किसी भी जगह में लगा के दिखाया जा सकता है। लास्ट वाला एग्जांपल में 4 NH3 को इस तरीके से ड्रॉ कर लो, चारों अमोनिया मॉलिक्यूल को इसे अरेंज कर दिए, और 2 Cl है एक ऊपर एक नीचे, यानी 2 क्लोरीन जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है
वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और रेस्ट क्लोरीन को ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वार्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आई होप दैट यहाँ तक